टॉस हुआ, यू मुंबा ने टॉस जीता, पहली रेड पुनेरी पल्टन की होगी। असलम इनामदार संभवतः आएंगे रेड के साथ। पुनेरी पल्टन की पिछले पांच मैचेस में इकलौता मुकाबला हारे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स से। असलम इनामदार ने शुरुआत की है। ये मुकाबला उन दो टीमों के बीच में है जिन्होंने सबसे ज्यादा और सबसे कम परिवर्तन किया अपनी टीम में। पुनेरी पल्टन ने सीजन 10 में सिर्फ 10 चेंजेस किए हैं, 10 खिलाड़ियों को मौका दिया है। यू मुंबा 16 खिलाड़ियों को मौका दे चुका है। पर संजीदा जो 16 चेंजेस किए हैं वो भी पिछले कुछ 5-6 मैचेस में किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, रिशांक देवडीगा हमारे साथ मौजूद है, कुणाल हैं और मैं हूं संजय बैनर्जी। इतने चेंजेस टीम के अंदर, लेकिन गुमान की जो रफ्तार है उस पर कहीं कोई असर नहीं। पहला ही बोनस ऐसा लगता है कंफर्म होगा, बोनस पॉइंट। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में मोहित गोयल रेड करने पहुंचे और डू ऑर डाई रेड में इनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। यहां कामयाबी मिली सुरिंदर, टीम के डिफेंस को कंट्रोल करते हुए। चलिए, काफी लंबे इंतजार के बाद गुमान सिंह वापस आए। पहले 10 मिनट में 85% का स्ट्राइक रेट होता है। गुमान ने डुबकी लगाने की कोशिश की लेकिन नंबर वन डिफेंस के आमने गुमान बाहर। इकलौता साथ इस मुकाबले में गुमान सिंह को इन्हीं का मिलना है। रिशांत बहुत ज्यादा डीप चले गए। रिव्यू अनसक्सेसफुल, 3 points यू मुंबा। कि पुनेरी पल्टन ने अब तक इतने मैचेस जीते हैं, यहां पर जबरदस्त टैकल किया, बोनस पॉइंट। बोनस जरूर ले गए लेकिन पल्टन आउट, 3 points यू मुंबा। साथ ही ऑल आउट हो गए यू मुंबा। संभव हो सकता है पैर दिए, गौरव खत्री को अटेम्प्ट किया और उनका शिकार कर दिया। और यहां देखने वाली बात यह है कि सुरिंदर जब से बाहर गए यू मुंबा बिखरती हुई नजर आई। ओहो, यहां तो जाकर के सीधे हेड ऑन हो गए वो शादलू से, जैसे कहना चाह रहे हो क्या गले लग जाओ। एकदम सामने खड़े थे शादलू। पंकज मोहिते आए हैं रेड पर, लेफ्ट कॉर्नर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये देखिए पैरों पर गए, सिंगल लेग होल्ड किया। अटैक देख सकते हैं असलम इनामदार, अटैक जो है वो सुरेंद्र सिंह पर लेते हैं या विश्वन पर, रनिंग हैंड टच। ये छठा टाई क्या हम देखने वाले हैं। बिल्कुल, बॉक्स लाइन को क्लियर किया, टाई पर ये मुकाबला समाप्त हुआ।